हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग विद हिमाल सो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में फ्लेमिंगो बुक के सारे चैप्टर्स के कुछ ट्रिकी एमसीक्यूज करवाए थे दैट वाज योर एक्सट्रैक्ट बेस्ड एमसीक्यूज उसी तरीके से बच्चे इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूँ फ्लेमिंगो चैप्टर की सारी पोएम्स के कुछ ट्रिकी एम और पोएम से आपको पता है कि एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं कि पोएम का कोई एक्सट्रैक्ट दिया होता है और उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जैसे कि आपने सीबीएसई का सैम्पल पेपर खोल के देखा होगा इंग्लिश का या आपने प्री बोर्ड में भी देखा होगा कि डायरेक्ट एम नहीं आ रहे कुछ ऐसे एम आ रहे हैं जो थोड़े से कन्फ्यूजिंग है जो थोड़े से ट्रिकी हैं जो थोड़े से थिंकिंग बेस्ड है तो so, वैसे ही गुड क्वालिटी एम आज हम करने वाले हैं थोड़े से हाई क्वालिटी एम करने वाले हैं बिकॉज अगर आप ऐसे एम प्रैक्टिस करोगे तभी आप टर्म वन में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो क्योंकि इंग्लिश के पेपर में बहुत ही सिंपल टू द पॉइंट एम नहीं आने वाले ठीक है एनालिसिस आपको थोड़ी सी करनी पड़ेगी तो वीडियो एंड तक देखना क्योंकि जो तीनों पोएम्स हैं आपकी माय मदर एट 66 एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम और उसके साथ साथ कीपिंग क्वाइट तीनों के तो तो पहला ये वाला क्वेश्चन है और ये आपका एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोच लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी डोज open mouth, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away. अब क्वेश्चन पर लेते हैं क्वेश्चन क्या है? Choose the option that best applies to the given extract. ठीक है तो कौन सा ऑप्शन इस एक्सट्रैक्ट पे बेसिकली एप्लीकेबल है? A conversation, गलत ये चीजें जो है ये जो पूरा सेंटेंस है ये जो पोएट है वो सोच रही है वो किसी के साथ कन्वर्जेशन नहीं कर रही सेकेंड आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट भी गलत है वो आर्ग्यूमेंट नहीं कर रही है अ पीस ऑफ एडवाइस पे कहीं नहीं लग रहा है वो किसी को एडवाइस दे रही है बल्कि क्या हो रहा है वो अपनी मदर को देख रही है अपनी मदर की कंडीशन को डिस्क्राइब कर रही है और वो बुरा फील कर रही है कि उसकी जो मदर है शी इज ग्रोइंग गोल्ड अस्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी भी बिल्कुल नहीं है वो कोई स्ट्रैटेजी सेट नहीं कर रही रिकलेक्शन यस yes. वो क्या कर रही है रिकलेक्ट कर रही है ठीक है तो वो इस पोएम के थ्रू अपनी वो मेमोरी रिकलेक्ट कर रही है जब वो अपनी मदर को एयरपोर्ट छोड़ने जा रही थी ठीक है तो वो उसी मेमोरी को रिकलेक्ट कर रही है तो रिकलेक्शन हो सकता है अ सजेशन यहाँ पे वो कोई सजेशन भी नहीं दे रही तो इन सिक्स ऑप्शंस में से बस एक ही ऑप्शन ठीक है दैट इज़ अ रिकलेक्शन तो इसके थ्रू इस एक्सट्रैक्ट के थ्रू वो अपनी मेमरी रिकलेक्ट कर रही है ठीक है तो आंसर होगा इसका सी ओनली फाइव ठीक है तो सी इज द आंसर नेक्स्ट चूज द बुक टाइटल दैट परफेक्टली डिस्क्राइब्स द कंडीशन ऑफ द पोएट्स मदर तो जो पोएट की मदर की कंडीशन है उसको हमें चूज uh, uh, करना है कि इन चार बुक्स के टाइटल में से कौन सा ऐसा टाइटल है जो पोएट की मदर की कंडीशन को डिस्क्राइब करता है यू आर ओनली ओल्ड वंस द गिफ्ट ऑफ ये समवियर टुवर्ड्स द एंड द बुक यू विश योर पेरेंट्स हैड रेड तो आपको क्लियरली पता है ये पोएम का थीम क्या है कि उसकी जो मदर है शी इज़ ग्रोइंग ओल्ड और पोएट को डर है कि मेरी मदर अब इतनी ओल्ड हो गई है कि शी कैन शी कैन फेस डेथ ऑल्सो वह डर रही है कि मेरी मदर को कुछ हो ना जाए क्या पता मैं उनसे मिल भी पाऊँ या अगले टाइम नहीं मिल पाऊँ है ना तो इसीलिए इसका आंसर क्या है टाइटल थ्री समवियर टुवर्ड्स द एंड ठीक है, है? तो आंसर क्या है? इसका ऑप्शन दैट अप्लाइज करेक्टली टू द टू स्टेटमेंट गिवन बिलो असर्शन दिया हुआ है, द पोएट्स वर्ड्स ऑफ थॉट ऑफ अ मदर गेटिंग ओल्ड क्विकली तो मतलब पोएट काफी ज्यादा दुखी हो जाती है जब वो ये चीजें सोचती है कि उसकी मदर ओल्ड हो रही है और जनरली और वो सडनली सॉरी सडनली क्या करती है उस थॉट को अपने माइंड से हटा देती है वो ये सब चीज़ें सोचना बंद कर देती है द पोएट डिडेंट वॉन्ट टू कन्फ्रम द इनएविटेबिटी ऑफ फेट दैट वॉज टू डॉन अपॉन ह मदर तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही थी ठीक है उसको पता था कि नाउ उसकी मदर की ओल्ड एज हो चुकी है ठीक है और पता नहीं वो नेक्स्ट टाइम अपनी मदर को मिल पाए या ना मिल पाए बट वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही थी तो दोनों ही स्टेटमेंट्स ठीक है दोनों ही स्टेटमेंट्स को हम कंक्लूड कर सकते हैं पैसेज से से अब जल्दी से देखते हैं इसका आंसर क्या होगा असर्शन कैन बी बी इन्फर्ड इन्फर्ड बट रीजन नॉट रॉन्ग दोनों ही इन्फर किए जा सकते हैं कंक्लूड किए जा सकते हैं असर्शन नॉट बी इन्फर्ड बट रीजन कैन बी इन्फर्ड रॉन्ग बोथ असर्शन एंड रीजन कैन बी इन्फर्ड दोनों ही हम कंक्लूड कर सकते हैं पहला कि वो उस थॉट को

तो फेस का डायरेक्ट कंपैरिजन किया गया कॉप्स के साथ और यहां पर लाइक वर्ड यूज हुआ है तो मतलब ये सिमिली है अब हमें नेक्स्ट फोर सेंटेंसेस में देखना है सिमिली कहां पे आ रहा है जस्ट एज आई हैड आई हैड दिस थॉट शी अपियड एंड यहां कोई सिमिली नहीं है यहां कोई डायरेक्ट कंपेरिजन नहीं हो रहा है माई थॉट वर एज हैवी एज लेड बिल्कुल सही यहां पे थॉट्स को कंपेयर किया गया है लेड के साथ है 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 कैसे पता चला क्योंकि हुआ है. तो जहां पे और like की help से कंपैरिजन किया जाता है सो दैट इज सिमिली तो इसका आंसर है बी नेक्स्ट नेक्स्ट पैसेज आ गया एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मेरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ द होम्स बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर वॉन पेल एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक अब क्वेश्चन पढ़ते हैं वॉट इज द मोस्ट लाइकली रीजन द पोएट कैपिटलाइज यंग ट्रीज अब हमें बताना है कि पोएट ने यंग ट्रीज की बात क्यों की है ठीक है अब वो चीज हमें ढूंढनी है कि पोएट ने इस पोएम में यंग ट्रीज की बात क्यों की है दिस वॉज टू कन्वे अ क्लियर मैसेज हाईलाइट द एडजेक्टिव नाउन कॉम्बिनेशन एनहांस द कॉन्ट्रास्ट ड्रॉ अ कनेक्शन विद द टाइटल तो इसका आंसर क्या है एनहांस द कॉन्ट्रास्ट मीन्स वो एक कंपेरिजन कर रही है और वो बता रही है दो चीजें आपस में कितनी ज्यादा ऑपोजिट है एक तरफ वो बता रही है उसकी मदर की कंडीशन ठीक है जो काफी डल है ठीक है who who is sleeping with their uh, mouth open ठीक है जो वीक हो चुकी हैं जिनके चेहरे पे रिंकल्स पड़ चुकी हैं और दूसरी तरफ वो बिल्कुल ऑपोजिट चीजों के बारे में सोच रही है मतलब यंग uh, ट्रीज के बारे में चिल्ड्रन के बारे में एनर्जेटिक चीजों के बारे में तो यहाँ पे उसने कंट्रास्ट किया है कंट्रास्ट होता है दो ऑपोजिट चीजों को कंपेयर करना तो यहाँ पे कंट्रास्ट सेट किया गया है तो इसका आंसर है सी टू एनहांस द कंट्रास्ट अगला चूज द ऑप्शन दैट between two बिटवीन टू below. द पोएट नोज हर मदर हैज aged. द पोएट फील्स द पेन ऑफ सेपरेशन तो देखो यहाँ पे कॉज और इफेक्ट की बात हो रही है कॉज क्या है कि पोएट को पता है कि उसकी मदर की एज हो चुकी है और उसकी वजह से इफेक्ट क्या हो रहा है कि पोएट इज फीलिंग पेन ऑफ सेपरेशन ठीक है अब उसको फील ऑफ सॉरी पेन ऑफ सेपरेशन फील हो रहा है क्योंकि उसको डर है कि पता नहीं मैं नेक्स्ट टाइम अपनी मॉम से मिल भी पाऊंगे नहीं तो इसका आंसर है बी बिगनिंग एंड एंडिंग नहीं है क्वेश्चन आंसर नहीं है कोई इंट्रोडक्शन कंक्लूजन नहीं है यह है कॉज एंड इफेक्ट कि कॉज क्या है कि उसकी मदर हैज एज और उसका इफेक्ट क्या है दैट शी इज फीलिंग द पेन ऑफ सेपरेशन नेक्स्ट जस्ट एज द ब्राइटनेस ऑफ विंटर्स मून इज व्हील्ड बिहाइंड द हेज एंड मिस्ट सिमिलरली मतलब अब हमें यहाँ पे बताना है कि जैसे कि विंटर के मून के बारे में डिस्क्राइब किया गया है वैसे ही पोएट ने विंटर के मून को किससे कंपेयर किया इसका कंपैरिजन किसके साथ है द पेन ऑफ सेपरेशन हैज़ शेडेड मदर्स एक्सप्रेशन नहीं एज हैज़ फॉक्ट मदर्स यूथफुल अपीयरेंस ये इसका आंसर है क्योंकि उसने अपने मदर के फेस को कंपेयर किया था विंटर्स मून के साथ कि जैसे विंटर का मून काफी फॉगी हो जाता है काफी डल हो जाता है वैसे उसकी मदर का जो फेस है वो भी डल हो गया ड्यू टू ओल्ड एज तो इसका आंसर क्या है एज हैज मदर्स यूथफुल एक्सपीरियंस वो आंसर है बी नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ द वंस गिवन बिलो तो मैंने आपको बताया भी था कुछ वीडियोज में कि पोएट्रिक डिवाइस बहुत जरूरी है तो पोइट्रिक डिवाइस में तो क्वेश्चन आता है सिमली द मेरी चिल्ड्रन्स स्पेलिंग यही गलत हो गया सिमली में लाइक like या एज वर्ड यूज होता है डायरेक्ट कंपेरिजन होता है तो ये गलत है तो हम आगे देखेंगे नहीं अब सीधे सेकेंड पे आते हैं मेटाफर पेल एज अ लेट विंटर्स मून गलत जहाँ एज यूज होता है वो सिमली होता है मेटाफर नहीं होता थर्ड आओ इमेजरी ऑल आई डिड वॉच स्माइल इमेजरी क्या होता है कभी कोई भी ऐसी चीज़ होती है जिसको पिक्चराइज किया जाता है यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है तो ये इमेजरी नहीं है तो ये भी गलत हो गया नेक्स्ट परसोनिफिकेशन यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग ये बहुत सही ये बिल्कुल सही है परसोनिफिकेशन क्या होता है कोई नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट को या कोई नॉन ह्यूमन थिंग को ह्यूमन ट्रेड्स दे देना जैसे बोल रहे ट्रीज आर रनिंग रनिंग किसका ट्रेड है ह्यूमंस का ट्रेड है ट्रीज ह्यूमंस नहीं है बट ट्रीज को हमने एक ह्यूमन ट्रेड दे दिया तो इसलिए परसोनिफिकेशन है लेट विंटर्स मोन बिल्कुल सही कंपेरिजन भी हो रहा है और एज वर्ड भी यूज हो रहा है नेक्स्ट पोएम एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन अम सो सबसे पहले पढ़ेंगे एक्सट्रैक्ट फार फ्र फॉम गेव दीज चिल्ड्रंस फेसिसट्स वीव द हेयर टॉन अराउंड पैलर द टॉल गर्ल विद हर वेड डाउन हेड पेपर सीमिंग बॉय विदिस्टेडेड स्वीट एंड तो पहला क्वेश्चन है देड नॉट रेफर टू बी लिखे ना दॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड तो वेट डाउन हेड यहाँ पे क्या रेफर नहीं कर रहा है

पेपर सीमिंग बॉय पेपर सीमिंग बॉय लड़के को पेपर से कंपेयर किया गया और लाइक और एज नहीं यूज हुआ है तो ये मेटाफर है तो सेकंड का आ गया ए तो वन का डी सेकंड का है तो यहीं से हमें सी आंसर मिल गया ठीक है और पन क्या होता है आपको पन नहीं पता अगर कोई ह्यूमरस इफेक्ट पोएम में क्रिएट किया जाता है तो दैट इज पन नेक्स्ट पिक द ऑप्शन दैट ऑफ द पोएट इन द एक्सट्रैक्ट तो यहाँ पे पोएट किसके बारे में बता रही है बच्चों के बारे में बता रही है ठीक है फिर वो बता रही है उस टॉल गर्ल के बारे में फिर वो बता रही है पेपर स्विमिंग बॉय के बारे में ठीक है बच्चों की कंडीशन के बारे में बता रही है क्लासरूम में तो यहाँ से आपको क्या पता चलता है कि वह एप्रीहेंसिव हैस नहीं है वो कंपैशनेट है ये yes. कंपैशनेट क्या होता है जब आप दूसरों की प्रॉब्लम समझते हो ठीक है जब आप दूसरों के इमोशंस को समझते हो ठीक है दैट इज कंपैशनेट रिजेंटफुल एंग्री

मोस्ट सुटेबल तो देखो टू फोर फाइव सिक्स है तो टू फोर के साथ सिक्स ही दिया हुआ है तो इसलिए हम कौन सा आंसर चूज करेंगे ए ठीक है तो इल्यूजन हो सकता है कि वो डिसअपॉइंट हुई हुई है बट ये इतना सूटेबल नहीं है वो सैड है उसको रियलिटी पता है ये तो वो सैड है तो मोस्ट सुटेबल आंसर है ए टू फोर और सिक्स मतलब वो कंपैशनेट है वो थॉटफुल है और वो वो है मतलब शी इज सैड नेक्स्ट द गस्टी वेव्स मोस्ट लाइकली इंडिकेट देखो आप ये पढ़ो लाइन फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स कि जो बच्चे हैं ये उन गेव से काफी दूर हैं तो मतलब गस्टी वेव समथिंग पॉजिटिव क्योंकि इनकी लाइफ में इतनी नेगेटिविटी इतनी हार्डशिप्स है मतलब गस्टी वेव इज समथिंग

Uh, यहां पे देखो लिखा हुआ है रन ये भी ट्रू है ठीक है ये भी बिल्कुल ट्रू है द पॉलिसी द रियलिटी ऑफ द रियल वर्ल्ड टू द चिल्ड्रन ये फॉल्स है इस पोएम में यही चीज बताई हुई जो पॉलिसी मेकर वो बच्चों को रियलिटी नहीं दिखाते उन्होंने एक मैप टांग के रखा हुआ है क्लास में ठीक है बच्चे वो मैप देख के क्या करेंगे जब जिस सिचुएशन में वो रह रहे हैं वो इतनी वर्स है शेकपियर की वहां पे पेंटिंग्स लगाई हुई है उस शेकपियर की पेंटिंग का क्या मतलब है कोई मतलब ही नहीं है जब उनका जो वर्ल्ड है इतना फॉगी है वो इतनी पावर्टी से डील कर रहे हैं तो बेसिकली क्या बच्चों को रियलिटी नहीं दिखाई जा रही है बच्चों को काफी इल्यूजन में रखा जा रहा है तो ये जो लिखा हुआ है पॉलिसी मेकर शो द रियलिटी ऑफ द रियल वर्ल्ड टू द चिल्ड्रन ये रॉन्ग है दिस इज नॉट ट्रू तो आंसर है सी Break oh, break break oh, break मतलब खत्म करो ब्रेक फ्री नहीं ब्रेक साइलेंस ये सबने चुपी रखी हुई है इस साइलेंस को ब्रेक करो ब्रेकआउट ब्रेकआउट मतलब अब हमें बोलना पड़ेगा ब्रेकआउट का मतलब होता है बोलना पड़ेगा ब्रेक इवन नहीं होगा ब्रेक इवन नहीं होता ब्रेक थ्रू नहीं होगा ब्रेक थ्रू होता है कि किसी के थ्रू पास हो जाना है. यहां पे लिटरल ब्रेक का मतलब नहीं है ब्रेक ग्राउंड होगा ब्रेक ग्राउंड क्यों होगा ब्रेक ग्राउंड का मतलब है अब हमें कुछ ना कुछ नया चेंज लाना पड़ेगा वी हैव टू ब्रिंग सम चेंज ठीक है तो यहां पे ब्रेक और ब्रेक का मतलब है ब्रेक दैट साइलेंसड

The children must be given freedom to experience the wholesome boundaries of the nature. यहाँ पे इसी चीज़ की बात की गई है कि बच्चों के पास फ्रीडम होनी चाहिए ठीक है कि वो हमारी जो नेचर है वो कितनी ब्यूटिफुल है वो उसको एक्सपीरियंस कर पाए जो वो नहीं कर पा रहे ठीक है सी देखते हैं द कंडीशन ऑफ़ द चिल्ड्रन कैन इम्प्रूव इफ दे आर शोन ब्यूटिफुल वर्ल्ड आउट ऑफ देयर विंडो आउट ऑफ द विंडो तो उनका ब्यूटीफुल वर्ल्ड है ही नहीं ठीक है विंडो के बाहर तो उनका वही टाउन है तो ये आंसर भी सही नहीं है द चिल्ड्रन कैन स्प्रेड लाइट एन अवेयरनेस इफ दे बिकम मॉरली रिस्पॉन्सिबल मॉरली रिस्पॉन्सिबल होने से कुछ नहीं होगा फाइनेंशियली उनको ठीक होना पड़ेगा उनको रियालिटी दिखानी पड़ेगी उनकी कंडीशन इंप्रूव करनी पड़ेगी तो वन थ्री और फोर तो आंसर नहीं है सेकेंड आंसर है कि बच्चों को फ्रीडम देनी चाहिए चलो अब करते हैं अगला एक्सट्रैक्ट आपकी थर्ड पोईम से दैट इज कीपिंग क्वाइट

इन्वाइट रीडर्स इज द पार्ट ऑफ द पोएम्स लार्जर कॉल टू ह्यूमैनिटी तो यहाँ पे लेट्स तो so, आप किसी को इन्वाइट करते हो ना तो so, यहाँ पे वो अपने रीडर्स को इन्वाइट कर रहा है टू वर्ड्स ह्यूमैनिटी ठीक है वी शुड स्प्रेड ह्यूमैनिटी तो चलो ऐसा करते हैं थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं अपनी लैंग्वेज को ठीक है लेट्स बी यूनाइटेड लेट्स बी यूनाइटेड तो यहाँ पे इन्वाइटिंग वो क्या कर रहा है रीडर्स को इन्वाइट कर रहा है थर्ड है वेलकम रीडर्स इन टू दर्ड ऑफ पोएम एरिट किसी को वो अपनी पोएम में नहीं लाना चाह रहा है उसका मोटिव है की तरफ लोगों को लेके जाना एड्रेस रीडर्स फेलो मेंबर्स ऑफ ह्यूमन रेस ये भी नहीं है कि वो रीडर्स को ह्यूमन रेस का फेलो मेंबर्स मान रहा है जब वो लेट्स वर्ड यूज कर रहा है तो आप खुद सोचो इंग्लिश में क्या मतलब सम वन तो यहाँ पे आंसर है बी इन रीडर्स एज अ पार्ट ऑफ अ पोएम लार्जर कॉल टू ह्यूमैनिटी अगला मार्गरेट एंड वुड सेड लैंग्वेज डिवाइड इन टू फ्रेगमेंट्स आई वॉन्टेड टू बी होल तो मार्गरेट ने क्या कहा था लैंग्वेज हमें बांट देती है तो हम सबको एक होना चाहिए मतलब हमें एक पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं फॉलो करनी चाहिए मतलब हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारी ये लैंग्वेज है उसकी लैंग्वेज है हम सबको मानना चाहिए वी ऑल आर वन चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली कमेंट्स ऑन द लीडरशिप सॉरी रिलेशनशिप बिटवीन मार्गरेट ग्रेट एंड वुड वर्ड्स एंड लाइन फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट लेट्स नॉट स्पीक इन एन एनी लैंग्वेज तो इनका क्या मतलब है जो लैंग्वेज डिवाइड अस इन टू फ्रेगमेंट्स आई वॉन्ट टू बी वन और लेट्स नॉट स्पीक इन एन एनी लैंग्वेज इसका मतलब क्या है एंड वुड एंडोर्स नेडूराज कॉल टू नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज दिस इज करेक्ट कि वो कह रही है कि हमें किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में नहीं बोलना चाहिए लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज और थोड़ी देर के लिए वी एंट वुड जस्ट वाई नरूडाज रिक्वेस्ट टू नॉट एंगेज इन एनी स्पीकिंग नहीं ऐसा कुछ नहीं है एंट वुड अंडरमाइन नरूडाज सॉरी नरूडाज इंटेंट टू स्टॉप एंड नॉट टू स्पीक इन एनी एनी लैंग्वेज देखो यहाँ पे वो क्या कर रही है यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हमें किसी भी लैंग्वेज में नहीं बात करनी है तो दैट इज आंसर ए एंट वुड एंडोर्सिज नूडाज कॉल टू नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज नेक्स्ट Why do you think the poet employs words like exotic and strangeness? स्ट्रेंजनेस लिखा है exotic देखो strangeness लिखा है exotic लिखा है ऐसे क्यों लिखा है पहला है to highlight the importance of everyone being together suddenly for once कि एकदम से सारे साथ आ गए ये भी नहीं है टू एम्फोसाइज द फ्रेनेटिक एक्टिविटी एंड in human लाइफ तो ये बताना चाह रहा है ये जो एग्जॉटिक वर्ड है strangeness वर्ड ये बता रहा है कि हमारी लाइफ में कितना क्योर्स होता है सो so, हमारी लाइफ कितनी ज़्यादा क्योज है मेजडअप है कि अगर हम एकदम से साइलेंस हो जाएंगे तो कितना जो है स्ट्रेंज हो जाएगा सारी चीज़ें कितनी एग्जॉट एक्जोटिक हो जाएंगी सारी चीज़ें तो बताना चाह रहा है कि वो बेसिकली एक्सप्रेस कर रहा है कि आजकल जो ह्यूमन लाइफ है वो कितनी ज़्यादा फ्रेनेटिक है फ्रेनेटिक मतलब समथिंग विच इज़ वेरी मेसी ठीक है मतलब उथल पुलथ मची हुई है सबकी लाइफ में और उसके साथ साथ कितना क्योस है तो यहाँ पे आंसर है बी

एंड सेकेंड का आ गया थ्री सॉरी सेकेंड का है थ्री मूव हेवन एंड अर्थ मूव हेवन एंड अर्थ का मतलब क्या है डू ऑल पॉसिबल टू एकम्प्लिश समथिंग ठीक है कुछ पाने के लिए अपनी पूरी पॉसिबिलिटी लगा दो तो थर्ड का है टू और फोर्थ का है द सॉल्ट ऑफ द अर्थ सॉल्ट ऑफ द अर्थ का मतलब है टू बी गुड एंड वर्थी तो इसका आंसर आ जाएगा बी सो दैट वॉज ऑल अबाउट टूडेज़ वीडियो तो मैंने आपको कुछ ट्रिकी एम सी क्यूज़ करवा दिए मैंने इसलिए करवाया क्योंकि देखो सिंपल एम सी क्यूज़ नहीं आने वाले इंग्लिश के एग्ज़ाम में ऐसे ही ट्रिकी एम सी क्यूज़ आ रहे सो so, एक बार दोबारा से वीडियो देख लेना अगर कोई डाउट रहा होगा मतलब एक बार खुद से पॉज करके ट्राई करना करने का और मैंने साथ साथ एक्सप्लेनेशन दिया तो आपको अपनी मिस्टेक्स भी पता चल जाएंगी और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो बच्चे वीडियो को लाइक कर दो अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ईजी लर्निंग विद हिमाल आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरी सोशल मीडिया पर भी मुझे कनेक्ट कर सकते हो मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ई मेल आई मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुई है और इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और मैंने क्लास ट्वेल्थ की प्लेलिस्ट टर्म वन की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है वहां पे आप क्लिक करोगे आपको सारा सिलेबस इंग्लिश का मिल जाएगा तो वहाँ से देख के आप अपना सारा सिलेबस कंप्लीट करके पूरी तैयारी कर लो ओके सो बाय बाय एवरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम